रेवाड़ी में नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति की मासिक बैठक हुई। मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में हरियाणा के विद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री और चेयरपर्सन जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति सीमा त्रिखा की अध्यक्षता में की गई। आज हुई बैठक में कुल 16 परिवादों पर सुनवाई की गई, जिनमें से 11 परिवादों का मौके पर ही निपटारा किया गया। 16 में से 11 परिवादों के निपटारण के बाद शेष बचे 5 परिवादों को अगली बैठक तक के लिए पेंडिंग रख दिया गया है। परिवेदना समिति की बैठक लेने पहुंची राज्य मंत्री सीमा त्रिखा ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में हुए 4 लाख फर्जी दाखिले के सवाल पर कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। आज लगभग 16 परिवाद है, जिसमें से 11 जो है वो रिजॉल्व कर दिए गए, 5 पेंडिंग डाले गए हैं। हालांकि 5 पे भी फैसला ले लिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने एक एक सप्ताह का टाइम दिया कि ताकि प्रशासन भी मुस्तैदी से उसे एक बार रिव्यू कर ले और जिसकी कंप्लेनेंट है जो व्यक्ति, उसको भी तसल्ली होनी। आज वाटर हार्वेस्टिंग जो है हमें लार्ज स्केल पर हर घर में हो, हर पार्क में हो, हर सड़क के किनारे हो, इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और दूसरी बड़ी बात, पानी को लेकर के अगर कोई व्यापार कर रहा है और उसने परमिशन नहीं ली हुई तो गलत है। पर यदि कोई किसान खेत में पानी देने के लिए ट्यूबवेल लगा रहा है तो उसके लिए रोक क्यों है? हरियाणा तो कृषि प्रधान प्रदेश है, तो इसलिए मैंने इनसे एक ही बात कही है कि यदि कोई पानी का दुरुपयोग कर रहा है, बिना अनुमति के बेच रहा है और उसे आमदन का जरिया बना रहा है, उस पर जो कार्रवाई बनती है आप करें। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर स्कूलों की छुट्टी बढ़ाए जाने वाली खबर पर विराम लगाते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की छुट्टियां नहीं बढ़ाई गई हैं, बल्कि कल से हरियाणा में स्कूल खोल दिए जाएंगे। रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।